कैसे आप सब लोग, स्वागत करता हूं आप सभी का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे। और पेश करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 33। हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी, वीडियो नंबर 32, उसमें हम लोगों ने इनकम मेथड से कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, इनकम मेथड से कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है वो देखा था हमने। सबसे पहले कंसेप्ट देखे थे, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमने इनकम मेथड के अंदर क्या बोला था, मैं आपको बताया था कि इनकम मेथड में हमारे को मिलता है एनडीपीएफसी। क्या मिलता है? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी को हम लोग बोलते हैं हमारी कौन सी इनकम? डोमेस्टिक इनकम। एनडीपीएफसी को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। फिर मैं आपको बताया कि सर एनडीपीएफसी कैसे कैलकुलेट होता है। एनडीपीएफसी कैलकुलेट होता है तीन चीजों से मिलकर, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में मैंने आपको बोला कि चार चीजें आएगी। कौन कौन सी चार चीजें? वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट्स इन काइंड, उसके बाद में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, और उसके बाद बोला था रिटायरमेंट पेंशन। ठीक है, याद आप सभी को। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस में मैंने आपको बोला था चार चीज, तीन चीजें आती है, रेंट, रेंट के साथ रॉयल्टी भी आता है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और फिर मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं हो तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स, इन तीन चीजों को मिलाकर क्या मिलेगा हमारा प्रॉफिट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बोला कि नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी अगर आपको निकालना है एनडीपीएफसी से तो कैसे निकालोगे? एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी पे जाना, डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे, ये मैंने आपको बताया था, याद सभी को, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। यहां तक हमने दो क्वेश्चन किए थे बेसिक, जहां पे हमारे को नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोला था। आज हम लोग थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जहां पे हम लोगों को कोई एग्रीगेट फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला होगा, कोई एक मिसिंग वैल्यू होगी उसे फाइंड आउट करना रहेगा। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, पेश करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनडायरेक्ट टैक्स बोला है आपको, गिवन है सब्सिडीज, गिवन है प्रॉफिट, गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये क्या होता है हमारे लिए डेप्रिसिएशन। ठीक है, जीडीपी एमपी दे रखा है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, मिक्स इनकम दे रखी है, रेंट दे रखा है। एक बार और शांति से देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखिए आपको फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमेशा कौन से वाले फॉर्मूला में आता है? इंटरेस्ट आता है इनकम वाले फॉर्मूला में। ठीक है, हमारे को इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट फाइंड आउट तब होगा जब हमारे पास में इनकम वाले फॉर्मूला का एनडीपीएफसी होगा। इनकम वाले फॉर्मूला में क्या आता है? एनडीपीएफसी इक्वल्स टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। यह आता है ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। हमारे पास ये नहीं है और हमारे पास ये भी नहीं है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हमें फाइंड आउट करना है वो सबसे एंड में निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी फाइंड आउट करने के लिए देखो क्वेश्चन में कि क्या कोई दूसरा एग्रीगेट गिवन है क्या, क्वेश्चन में देखते हैं कोई दूसरा एग्रीगेट गिवन है क्या। सर क्वेश्चन में जीडीपी एमपी गिवन है, क्या गिवन है? जीडीपी एमपी। अगर मैं एनडीपीएफसी निकाल लेता हूं इस फॉर्मूला से तो काम बन जाएगा, देखते हैं कैसे। मैं लिखूंगा सर एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी से ये निकालना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक बराबर, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ठीक है, देखो जीडीपी एमपी कितना दे रखा है 17,500 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कैसे निकलेगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स देखो बेटा कितना है 1500 माइनस सब्सिडीज कितनी है 700। ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन देखो कितना था 700। कैलकुलेट करोगे 17,500 माइनस 800 माइनस 700 तो ये आएगा आपका एनडीपीएफसी 16,000। कितना है 16,000। अब ये एनडीपीएफसी इस वाले फॉर्मूला में रखते हैं, यहां लिखेंगे वी नो दैट
यूजिंग इनकम मेथड, ये आपके रेफरेंस के लिए बताया है। देखिए यूजिंग इनकम मेथड एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस देखते हैं। देखिए एनडीपीएफसी कितना है 16,000 इज इक्वल्स टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 9,300। ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीजें आती है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। रेंट गिवन है क्या 800 प्लस इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना है प्लस प्रॉफिट 1100 प्लस मिक्स्ड इनकम कितना है बेटा 3500। देखो 16,000 इज इक्वल्स टू 9,300 प्लस 1900 प्लस 3500 ठीक है, कैलकुलेट करो सॉरी प्लस इंटरेस्ट कैलकुलेट करो बेटा कितना आएगा 16,000 माइनस ये हो गया आपके 1300 कितना आएगा इंटरेस्ट 1300 आया समझ में। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्वेश्चन में कोई एग्रीगेट गिवन है क्या। हमें देखा सर क्वेश्चन में जीडीपी एमपी गिवन था, दिमाग के अंदर पहले ये लेके आओ कि इंटरेस्ट कौन से फॉर्मूला में आता है। इंटरेस्ट आता है इनकम वाले फॉर्मूला में। इनकम वाला फॉर्मूला हमने एक बार साइड में लिख के देखा, एनडीपीएफसी इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। हमें ये पता है कि इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है एनडीपीएफसी भी नहीं है, तो पहले ये जो जीडीपी एमपी है इससे आप ये चीज फाइंड आउट करो। इंटरेस्ट हमेशा एंड में निकलेगा, जो चीज पूछी गई है वो हमेशा एंड में निकलती है ठीक है ना। पहले आप एग्रीगेट्स निकाल लीजिए, हमने ये एग्रीगेट फाइंड आउट किया जीडीपी एमपी से। मार्केट प्राइस से कॉस्ट पे आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। 16,000 आ गया, ये 16,000 इस वाले फॉर्मूला में पुट अप कर दिया, इंटरेस्ट अमाउंट आ गया 1300 रुपीज। एक बार फटाफट क्वेश्चन उतार लीजिए, सॉल्यूशन भी उतार लीजिए पॉज करके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम फास्ट। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, नेशनल इनकम दे रखी है 50,000, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे 1,000, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 17,000, प्रॉफिट्स 1,000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 12,500, वेजेस सैलरीज 20,000, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 700, क्या बोलते हैं इसको डेप्रिसिएशन ठीक है। मिक्स्ड इनकम दे रखी है 13,000, ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखी है और नेट एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस कौन से वाले फॉर्मूला में आता है, इनकम मेथड में आता है। एक बार साइड में लिख के देखते हैं इनकम मेथड में क्या क्या होता है। एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। जरा ध्यान से देखा जाए हमारे पास कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में वेजेस एंड सैलरीज ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस पूछा है, मतलब ये फाइंड आउट करना है। एनडीपीएफसी गिवन है क्या क्वेश्चन में, कहीं पे भी देखो नाम था क्या एनडीपीएफसी का, नहीं है, ये भी फाइंड आउट करना है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बोला कि जो चीज फाइंड आउट करेंगे उसे आप एकदम एंड में फाइंड आउट करना है। पहले ये देख लीजिए कि कोई एग्रीगेट है क्या। देखिए पहले अगर मैं एनडीपीएफसी फाइंड आउट कर पाऊं, क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस पूछा है, अगर मैं किसी भी तरह से एनडीपीएफसी फाइंड आउट कर लूं तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए पूरा क्वेश्चन एक बार वापस देखिए, क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको कोई एग्रीगेट नजर आ रहा है क्या, एक बार पॉज करके पूरे क्वेश्चन में देखिए। देखो क्वेश्चन में आपको दिखेगा एक एग्रीगेट जिसका नाम है नेशनल इनकम, क्या नाम है इसका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं एनएनपीएफसी, ध्यान देना नेशनल इनकम एक एग्रीगेट गिवन है एनएनपीएफसी। इस एनएनपीएफसी से अगर मैं एनडीपीएफसी फाइंड आउट कर लूं तो मेरा आधा काम हो जाएगा। देखेंगे कैसे, लिखते हैं कि एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी। देखो हमें चाहिए एनडीपीएफसी, आप किसी भी तरह से देखो फैक्टर कॉस्ट से डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाकी सब सेम है। एनएनपीएफसी कितना गिवन है 50,000, एनडीपीएफसी फाइंड आउट कर रहे हैं प्लस अगर हम बात करें
नेट पेट्रोल इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी दे रखी है 500, तो एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू 49,500। समझ में आया एनडीपीएफसी कैसे आया, एनएनडीएफसी वाले फॉर्मूला को हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां लिखेंगे वी नो दैट यूजिंग इनकम मेथड, कौन सा मेथड यूज करेंगे बेटा, इनकम मेथड, एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, एनडीपीएफसी 49,500, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आता है, चार चीजें, वेजेस सैलरीज पेमेंट इन काइंड, रिटायरमेंट पेंशन और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है, यही लिखेंगे 20,000 प्लस। देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीजें आती है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है और मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो मैं प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे टोटल चाहिए, प्लस मिक्स्ड इनकम दे रखी है क्या, दे रखी है सर 13,000। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करो, इज इक्वल्स टू 49,500 माइनस 33,000, कैलकुलेट करो कि कितना आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस, 16,500। आया समझ में, बहुत इजी है, केवल आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए और ये देखना है कि क्वेश्चन में कोई एक एग्रीगेट गिवन है क्या, यहां पर नेशनल इनकम गिवन थी जिसको एनएनपीएफसी बोलते हैं। आई बात समझ में, एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं फास्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, कैलकुलेट एनएनपी एमपी एंड जीडीपीएफसी, दो चीज फाइंड आउट करनी है, एनएनपी एमपी भी फाइंड आउट करना है, जीडीपीएफसी भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या बोला है, रेंट इंटरेस्ट 6,000, वेजेस सैलरीज 1,800, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 400, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 100, सब्सिडीज 20, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है तो सब्सिडीज की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स 120, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है 70, डिविडेंड 80, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या है ये, सही, डेप्रिसिएशन। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स 200, मिक्स्ड इनकम 1,000। क्वेश्चन में पूछा क्या है, एनएनपी एमपी फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें ऑल दी कंपोनेंट्स जितने भी हैं वो सारे ऑलमोस्ट आपके इनकम मेथड वाले हैं, तो हम लोग इनकम मेथड लगा के एक बार एक एग्रीगेट निकाल लेते हैं तो ये बाकी दोनों एग्रीगेट निकल जाएंगे। तो यहां लिखते हैं यूजिंग इनकम मेथड, क्या बोला है देखो, यूजिंग इनकम मेथड क्या आता है, एनडीपी एफसी इज इक्वल्स टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकलेगा, वेजेस एंड सैलरीज गिवन है और एक और चीज गिवन थी सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, वेजेस एंड सैलरीज कितनी है 1800 और सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 200, तो ये हो गया 2000। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए क्या क्या चाहिए, रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट। देखो रेंट इंटरेस्ट एक साथ दे रखा है 6,000, प्रॉफिट नहीं गिवन है, देखो 6,000 तो ये है प्लस प्रॉफिट के लिए देखो क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, डिविडेंड है क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स है, तीनों है, तीनों को ऐड करो 400 प्लस 120 कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड 80, कैलकुलेट करोगे ये आएगा 6,600। ठीक है, मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन थे सर, एंड में गिवन है 1,000, तो एनडीपीएफसी निकल जाएगा कितना 2000 प्लस 6,600 प्लस 1,000, कैलकुलेट करोगे ये कितना आएगा 9,600। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, एनएनपी एमपी, देखिए एनएनपी एमपी चाहिए, एनएनपी एमपी इज इक्वल्स टू, इससे निकालते हैं एनडीपी एफसी से, एफसी से एमपी पे आना है, कॉस्ट से प्राइस पे आना है, ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये देखिए कितना था 9,600,
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देखो हमने क्वेश्चन में देखा था, ये रहा कितना है 100 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो फ्रॉम होता है तो प्लस होगा, टू है तो क्या होगा ये माइनस, कितना 70। ठीक है कैलकुलेट करोगे ये आएगा 9630, ये आ गया आंसर। एक और क्वेश्चन में क्या पूछा है, जीडीपी एफसी, जीडीपी एफसी मैं एनडीपी एफसी से निकाल लेता हूं। देखो एनडीपी एफसी से कैसे निकालेंगे, एनडीपी एफसी इज इक्वल टू एफसी, एफसी कॉमन है कुछ से नहीं होगा, डोमेस्टिक डोमेस्टिक भी कॉमन है, यहां नेट है यहां ग्रॉस है, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम ऐड क्या करते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है एनडीपी एफसी था 9600 और डेप्रिसिएशन हमने अभी देखा था कितना है 50, तो ये कितना हो गया 9650 रुपीस। आया समझ में, एक बार फटाफट देख लो वापस क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला था एनएनपी एफपी और जीडीपी एफसी फाइंड आउट करना है, एग्रीगेट्स बोले थे क्वेश्चन में, हमने सारी इंफॉर्मेशन देखी तो ऑलमोस्ट इनकम मेथड की थी, तो हम लोगों ने पहले एनडीपी एफसी एक एग्रीगेट निकाल लिया, एनडीपी एफसी निकाला तो हमने उससे एनएनपी एफपी निकाल लिया, और क्वेश्चन में जीडीपी एफसी भी बोला था तो जीडीपी एफसी निकाल लिया वापस किससे एनडीपी एफसी से, ये हमारे दोनों आंसर हो गए। ठीक है एक बार फास्ट पॉज करके नोट डाउन करो, बात करते हैं आगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, डिपेंड करता है कि सर हमें फॉर्मूला पूरा आता है नहीं आता है, अगर आप किसी भी फॉर्मूला में हल्का सा भी अटकते हैं तो मान के चलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, आपको वो सभी देख के अप्रोप्रिएट फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे। हमने अभी तक दो चीजें कंप्लीट करी, वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट किया और इनकम मेथड कंप्लीट किया। एक बार वैल्यू एडेड मेथड को रिकॉल करते हैं, क्या क्या था, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है, जीडीपी एमपी निकलता है, कैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आता है याद करो फास्ट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स कैसे आएगा डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, और चेंज इन स्टॉक कैसे आता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अगर नहीं गिवन हो तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर रॉ मटेरियल परचेज लेते हैं। ठीक है वहां पे वो देखा, और इनकम मेथड के अंदर हम लोगों ने बोला कि सर तीन चीजें आती है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, फिक्स्ड इनकम, पर यहां पे हमारे को मिलेगा एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, क्या बोलते हैं एनडीपीएफसी को डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम को बोलते हैं एनएनपीएफसी। क्लियर हुआ है तक, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट अटैच करके दे रहा हूं क्वेश्चंस की, घर पर बैठ के उनको ट्राई करिएगा, जितने हो सके क्वेश्चंस ट्राई करिए, अगर आपके पास बुक्स भी अवेलेबल है, अगर आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है वीके ओरी, अगर बात करें टीआरजेन जिसको बोलते हैं, अगर आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है, आपके पास अगर अरिहंत की पिछले सालों के जो क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अगर वो अवेलेबल है तो वो यूज कीजिए, ट्राई कीजिए डिफरेंट क्वेश्चंस, मैं आपको लिस्ट भी दे रहा हूं पीडीएफ के अंदर अटैच करके। तब तक के लिए आशा करता हूं आप अपने घरों में सेफ रहेंगे, स्टे सेफ स्टे होम, थैंक यू एंड बाय।